इतनी सारी गाजर, इतनी सारी गाजर कहाँ से आ गई? मैं अपने घर के लिए गाजर ले जा रहा था और मेरा पैर फिसल गया, सब गाजर गिर गईं। खबरदार, एक भी गाजर खाई तो। गाजर सामने है और मैं ना खाऊं, ये कैसे हो सकता है? चुलबुल बंटी की गाजर मत खाओ, मैं तुम्हें बाजार से दिला दूंगा। खा लेने दो, अब ये जमीन पर गिर गई है, मेरे किसी काम की नहीं। वीर, बंटी तो स्कूल ड्रेस में था और हमारे पीछे पीछे स्कूल की तरफ जा रहा था, वो बाजार से तो नहीं आ रहा था। फिर उसके हाथ में गाजर कैसे आई? मुझे भी लग रहा है वो कुछ छुपा रहा था। स्कूल चलो, पता चल जाएगा। फेदर 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 ऑफ ऑल वेदर, एक स्पोर्ट्स साइकिल बना दे तू जो आज तक किसी ने देखी ना हो। वीर, आओ मेरी साइकिल से रेस लगाओ। मेरे पास साइकिल नहीं है। लेकिन गधा तो है ना। क्यों, खट्टी मीठी इमली, तुम ही रेस लगा लो, वीर की तो हिम्मत ही नहीं है। इसके पास इतनी अच्छी साइकिल कहाँ से आ गई? घर से तो पैदल ही निकला था। कितना शो ऑफ कर रहा है, शायद चड्डा अंकल ने दे दी हो। फेदर 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 ऑफ ऑल वेदर, मिस्टर कक्कड़ का डुप्लीकेट बना दे तू ताकि वीर को मजा चखा सकूं। सुनिए, वीर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि बंटी जैसे शरीफ नेक ईमानदार होनहार इंटेलिजेंट स्टूडेंट को हमेशा तंग करते हो? चलो कान पकड़ो। सर सर, ये आपसे झूठ कह रहा है। तुम भी कान पकड़ो, तुम वीर जैसे खराब बेकार बदतमीज डम बेईमान लड़के का साथ दे रही हो। सर, लेकिन सर। इमली सर से बहस मत करो, जैसा वो बोल रहे हैं वैसा करो। I trust you, वी, तुम चिंता मत करो, मैं नहीं डरूंगी। Pink suit on. मैग्नेटिक शील्ड को तोड़ना मुश्किल है, दादाजी से मदद लेनी होगी। ये अल्ट्रा मैग्नेटिक शील्ड है, इसे तुम्हारी लेजर बीम नहीं तोड़ सकती, कोई और रास्ता ढूंढना होगा। इतने बड़े पहाड़ को हर जगह से कवर नहीं किया जा सकता, कोई जगह तो शील्ड से बची होगी। ये देखो, इस जगह मैग्नेटिक शील्ड नहीं है, ये कोई पतला ड्रेनेज पाइप जैसा दिख रहा है जो पहाड़ के नीचे से उस पार तक गया है। ये पाइप सूखा है, इसमें पानी नहीं है, तुम इस पतले पाइप से उस पार जा सकते हो। टनल क्रॉस करने में तो बहुत समय लगेगा दादाजी। मैं तुम्हें टनल क्रॉस करने के लिए नया गैजेट दूंगा। वीर, जिंटू को बुलाओ, जिंटू सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। जिंटू अपने घर बहुत दिनों के बाद छुट्टी मनाने गया है, उसे छुट्टी मनाने दो, इमली को बचाने के लिए मैं ही काफी हूँ। वीर, तुम्हें एक लेजर कटर दिया है, इस लेजर कटर से कोई भी मेटल काटा जा सकता है,
वो चाहे जितना भी मजबूत हो। इसका इस्तेमाल एक ही बार कर सकते हो और अगर किया तो तुम्हारी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तुम्हें फिर से रिचार्ज करना होगा, इसलिए जब तक बहुत जरूरी ना हो इसे इस्तेमाल नहीं करना। थैंक यू दादाजी। और टनल को तेजी से क्रॉस करने के लिए स्लाइडिंग व्हील्स दिए हैं, उनकी मदद से टनल में लेट के स्लाइड होते हुए टनल को फुल स्पीड से पार कर सकते हो। थैंक यू दादाजी। ऑल द बेस्ट वीर। स्लाइडिंग व्हील ऑन। स्लाइडिंग व्हील ऑन। मुझे मालूम है वो चमगादड़ थे, मैं तो उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भाग रहा था। हम भी सर की हेल्प करने के लिए उनके साथ भाग रहे थे। देखा स्टूडेंट्स, भूत हकीकत में नहीं होते। तुम लोग जिस चीज से इतना घबरा गए वो सिर्फ चमगादड़ थे। वीर ने मुझे रोक नहीं लिया होता ना तो एक चमगादड़ पकड़ के तुम्हें दिखाता। खैर चलो चलते हैं आगे। हम इस तरह कब तक घूमेंगे? मैं आवाज देकर पूछता हूँ, यहाँ कोई है क्या? कोई है? अरे कोई है यहाँ पर? कोई है यहाँ पर? अरे आवाज दो! है यहाँ पर? आवाज दो! ये कौन है? कक्कर सर, स्टॉप, प्लीज रुकिए, ये आपकी ही आवाज एको हो रही है। मालूम है, मैं भाग नहीं रहा था, मैं ये देखने जा रहा था कि आवाज कहाँ से एको करती है। बच्चों देखा आवाज कैसे एको करती है? ये कैसी आवाज है? ठंड के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं। मुझे टॉयलेट जाना है, मैं वापस टेंट में जा रहा हूँ। अगर आज ये लोग डर के नहीं भागे तो कल और लोग यहाँ आएंगे, फिर हम नकली नोट कहाँ छापेंगे? चलो इन्हें डरा के भगाते हैं। बचाओ, 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 बचाओ। सर, सर, उधर भूत लोग दीवार पे डांस कर रहे हैं। सर आप लोग सीधा जाइए, मैं भूत को देखता हूँ। ठीक है, तुम देखो और डरना मत, मुझे बुला लेना अगर डर लगे तो। वीर वो देखो, लगता है जिंटू को बुलाना ही होगा, अब इन नकली भूतों को असली भूत दिखाना ही पड़ेगा। तक दिना दिन दिन, तक दिना दिन दिन, कौन सा काम अधूरा है बोलो मेरे बिन। तक दिना दिन दिन, टूटे फूटे सामान से बना हुआ रोबोट, घर के वेस्ट मटेरियल से बना हुआ रोबोट। अंकल, मुझे एक रोबोट चाहिए। ले लो बेटा, ले लो। आप इस तरह कैसे रोबोट बेच रहे हैं? जैसे आलू प्याज बेच रहे हो। मूर्ख इंसान, हम 21वीं सदी में हैं। तुम कौन से युग की बात कर रहे हो? तुम्हारे बच्चे में रोबोट का शौक देखकर मुझे खुशी हुई। ये लो बेटा, मेरी तरफ से ये तुम्हें फ्री गिफ्ट। यस, फ्री गिफ्ट। मैं तुम जैसे होनहार बच्चों को एनकरेज करता हूँ ताकि बड़े होके तुम साइंटिस्ट बनो। आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ इसे ऑपरेट कैसे करना है। मेरा डोंकी सेंस कहता है यहाँ कुछ खतरा है, वो दाढ़ी वाला आदमी सही नहीं है। चलो एक दुलाटी मार के देखता हूँ। Yeah!
ये तो टिम्बकटू जैसा लग रहा है। एक दो लात और मार के देखता हूँ। बचाओ, हेल्प! ये गधा मेरे पीछे क्यों पड़ा है? ये था सेंट मैरी के स्टूडेंट का रोबोट, और आर्य शिक्षा मंदिर स्कूल के स्टूडेंट का रोबोट आएगा। यम्मी, अच्छी चाय बनाई है। फ्रेंड्स, अब बारी है इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट रॉकी के रोबोट की। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर किसी का रोबोट मेरे रोबोट को बाइक रेस में हरा सके। मेरे पास दो बाइक है, मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लो और हार मान लो, वरना मेरे रोबोट को बेस्ट मान लो। मेरे रोबोट को तो बाइक चलाना आता ही नहीं। मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। बाहर हो गया है। बचाओ! अरे क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैं कोई हिरन नहीं हूँ। अरे मैं तो गधा हूँ, गधा। अरे गधा खाओगे तो दूसरे डायनासोर तुम पे हंसेंगे। अरे छोड़ दो मेरा पीछा, जाओ यहाँ से। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ओह माय गॉड, इतने बड़े बड़े डायनासोर्स! मैं तो घर जाके छुप जाता हूँ, वहाँ ये मुझे खा नहीं पाएंगे और मैं खाना ही खाता रहूंगा। ट्रक कहाँ गया? हाल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। तुम यहाँ खड़े खड़े क्यों कांप रहे हो? अरे मैं गधे वधे नहीं खाता। यक, सोच कर भी उल्टी आती है। ये हमारा अपमान है, मेरी इंसल्ट है। मुझ में ऐसी क्या कमी है जो तुम मुझे नहीं खा सकते? मैं अपने अपमान का बदला लूंगा। चुपुल, ज्यादा जोश में मत आओ, भागो। मैं इतना अपमान सहने के बाद भाग नहीं सकता। गधों को खाने की बात ही सोच के इसे उल्टी आती है, इसका मतलब क्या है? नाराज मत हो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने इमोशनल हो जाओगे। मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता। चलो चलो भाई, तुम्हें खा ही लेता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं जरा जोश में आ गया था, सॉरी। हमारा शिकार छीना है, चलो उसका ही शिकार करते हैं। हाँ, हाँ, चलो, 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 चलो। तो प्लान करके मेरी तरफ आ रहे हैं, किन्हें कहीं और ले जाकर ट्रैप करना होगा। सबको मीनार से टकरा देता हूँ, जैसे ये मेरे पास आएंगे मैं उड़ जाऊँगा और ये टकरा जाएंगे। ओह नो! भी देखता हूँ कि ये मोर कैसे बचता है।
मेरा नाम शिकारी अंकल ऐसे ही नहीं पड़ा है। वीर, कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला, लेकिन मुझे मालूम है वो बंटी के शिकारी अंकल के पास ही होगा और उनका फार्म हाउस शिकारपुर में है। तुम लोग यहीं रुको, मैं जाता हूँ। अंकल, ये डांस तो कर नहीं रहा है। वो डांस करेगा, जरूर करेगा। उसे बरसात चाहिए और मैं बरसात दूंगा। उसे छोड़ दीजिए, ऐसे किसी पक्षी को बंद करके रखना ठीक नहीं। पापा, वो बहुत दुखी है, डांस कैसे करेगा? आप उसे छोड़ दो, फिर वो डांस करेगा। तुम माँ बेटी मेरा हर खेल बिगाड़ के रख देते हो। जाओ अपना काम करो, मैं बरसात करवाता हूँ। ये बरसात से खुश होकर डांस जरूर करेगा। ओह, पानी बरस रहा है। देखो देखो कितना अच्छा मौसम है। मुझे उल्लू समझ रहा है, तुमको डांस देखने को तो नहीं मिलेगा, मैं ही देख लेता हूँ। मोर मोर, तुम भाग जाओ इससे पहले कि पापा तुम्हें देख ले। ये माँ और बच्ची बहुत भले हैं। अंकल अंकल, मोर भाग गया, वो भाग गया अंकल। रामू, नट्ठू, माइकल, सिमोन, सब इकट्ठे हो जाओ, वो मोर भाग गया है, उसे पकड़ना है। चलो जल्दी करो। ओ, बेचारा मोर बड़ी मुसीबत में है, उसे इन लोगों से बचाना होगा। रोबो बॉय, प्लीज हेल्प अस। मैं कुछ करता हूँ, तब तक आप लोग कार्स की हेडलाइट चालू रखें, वरना पूरा अंधेरा हो जाएगा। वीर, तुम्हें लोगों की मदद के लिए आना ही होगा। और फिर दादाजी, हर तरफ अंधेरा है, समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो गया। ये मैड मैक्स की करतूत है, पहले शहर में रोशनी का बंदोबस्त करना होगा, वरना ऐसा ही अंधेरा रहा तो हर तरफ लूटपाट मच जाएगी। दादाजी, हमारे ऊपर से काला साया उड़ता हुआ गया और अंधेरा हो गया। चलिए आपके लैब में देखते हैं हमारे सीसीटीवी में उसकी इमेज कैद हुई है नहीं। हाँ चलो, हमारे सीसीटीवी में उसकी इमेज जरूर होगी। वीर, जिंटू को बुला दो, हम उससे कम से कम इस छत पे तो लाइट जलवा लें। हाँ, गुड आइडिया। क्या हुआ इमली, वीर कहाँ है? पूरे शहर में अंधेरा है, सब परेशान हो रहे हैं। हर घर के ऊपर एक बल्ब ऐसा जला दो जैसे लगे कि तारा चमक रहा है। मैं एक तारा चमका देता हूँ, बल्ब क्यों जलाना है? अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। पापा पापा, एक तारा हमारे छत के ऊपर भी है। चलो चलो तारे पे चढ़ते हैं। चड्ढा अंकल, कहाँ जा रहे हो? ये ऊपर चला गया तो फंस जाओगे। मुझे स्टार पे बैठ के चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। बंटी की मम्मी चाय लेने गई है।
ये मेरा अपना स्टार है, अपना स्टार। चिंटू ये क्या कर दिया तुमने? वीर, वीर देखो चिंटू ने क्या कर दिया। हा? हा? यकीन नहीं हो रहा, इतने तारे नीचे आ गए। ओह, ये ऊपर वाले के कैसे कैसे चमत्कार हैं। मैं घर पे जाता हूँ, मेरी छत पे भी एक तारा होगा। ये कैसे हो सकता है? हर घर के ऊपर एक तारा है, वीर ये सब नहीं कर सकता। ये तो एक रोबोट के बस की बात नहीं है। दादाजी ये वही है, ये जरूर मैड मैक्स का कोई रोबोट है जो बिजली को सक करके खत्म कर रहा है। वीर, वीर, चिंटू ने हर घर के ऊपर एक तारा चमका दिया है।